अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में लगा जबरदस्त किस्म का धचका। रीस्टॉपली रूल्ड आउट हो गया पीएसएल से। बड़े गलत टाइम पे उनको ये जबरदस्त किस्म का धचका लगा है जरा। और इसके अलावा लाहौर कलंदर की दो पिक्स अब डगमगाने लग गई हैं। कलंदर वालों आप भी तैयार हो जाओ। और इसके अलावा सॉन्ग क्यों नहीं आया? रात को रिलीज करना था, आखिर क्यों नहीं किया गया जब फैंस इंतजार में थे? तो ये सब कुछ तो आप जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल जनाब आपको इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम की, जिसको बड़ी लकी टीम माना जा रहा था कि मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जिसके तमाम गैर मुल्की प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है, उनको कोई भी रिप्लेसमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान को समझ नजर लग गई है। रीस टॉपली इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ऐसे T20 लीग के अंदर ये बंदा इंजर्ड हुआ है और अब पूरे यानी कि टूर्नामेंट यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग से ये बंदा बाहर हो चुका है। तो अब मुल्तान सुल्तान को मजबूरन रीस टॉपली की जो रिप्लेसमेंट है वो लेनी है, यानी कि मुल्तान सुल्तान के लिए भी अब ऑप्शन खुल गया। ये भी सबको जहन में रखना पड़ेगा कि कल पाकिस्तान सुपर लीग की जो ट्रॉफी है उसकी रुनुमाई लाहौर में होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइज टीमें और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर को दो पिक्स रिक्वायर्ड हैं, डॉन लॉरेंस और राशिद खान की रिप्लेसमेंट लाहौर कलंदर ने लेनी है। डॉन लॉरेंस लाहौर कलंदर को दस्तयाब हो जाएंगे प्लेऑफ में, अगर कलंदर की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है। राशिद खान पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, यह सबको क्लियर है। इसके अलावा अगर जहां पर बात करें कराची किंग्स को भी एक रिप्लेसमेंट लेंगे, लेकिन कराची किंग्स उसके ऊपर अभी तक कोई सोच विचार नहीं कर रही है, हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन मुल्तान सुल्तान को अब रिप्लेसमेंट लेनी पड़ गई है। लेकिन बहुत से फैंस की डिमांड रिक्वेस्ट जो भी समझ आ रहे हैं कि कल सॉन्ग रिलीज होना था। जी हां बिल्कुल, कल रात को सॉन्ग रिलीज होना था, लेकिन आज एक बार फिर कहा गया कि आज जो सॉन्ग है वो रिलीज कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग सब कुछ एवरीथिंग ओके है जनाब। अब सिर्फ अनाउंसमेंट यानी कि कुछ इश्यू बन गया था जो भी समझे, लेकिन आज जो स्पेशली पीएसएल का सॉन्ग है 9th का, वो जनाब आपको आज मिलने वाला है। एक बार फिर आज कहा गया, हालांकि कल भी कंफर्मेशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि कल जब वो यानी कि संडे नाइट को पीएसएल का जो सॉन्ग है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन आज एक बार फिर क्लियर किया गया कि पीएसएल का जो सॉन्ग है। लेकिन अब यानी कि 40 आवर्स यानी कि स्पेशली 48 घंटों का जो टाइम दिया गया था स्पेशली, उसके अंदर ही इसको रिलीज किया जाएगा। तो आप तो खैर आज जो कहा कि आज जो सॉन्ग स्पेशली आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यार अली जफर आमिर बेग का जो सॉन्ग है वो सब सुनना चाहते हैं, एक जुनून पैदा करता है ये सॉन्ग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनी ड्राफ्ट के अंदर स्पेशली जो इस वक्त हलचल मची हुई है, अब मुल्तान सुल्तान क्या रिप्लेसमेंट लेगी, क्या लोकल की तरफ जाएंगे या फॉरन की तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गेंदबाज ही बाहर हुआ है तो गेंदबाज की ही डिमांड रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बड़ा सवाल है। अपडेट से चलेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।